अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। यू नो दैट वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 6, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। वी आर ऑलरेडी डिस्कस एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। वन टाइप इज काइनेटिक एनर्जी and second type is potential energy. We discuss these two types in detail. Also, we find its mathematical form. Now, we are discussing more types of energy. Here, you can see the table. These are types of energy. One is mechanical energy. One is electrical energy. One is light energy, nuclear energy, chemical energy, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। वी डिस्कस एवरी टाइप ऑफ एनर्जी इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वी डिफाइन इट। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी बॉडी में अगर जो एनर्जी है वो टू टाइप्स की वजह से मौजूद हो, मींस मोशन की वजह से भी और पोजीशन की वजह से भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसकी फर्स्ट सोर्स क्या है? मोशन। मोशन की वजह से किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन में ये पढ़ चुके हैं। एंड सेकेंड सोर्स क्या है इसकी? हाइट और पोजिशन। किसी भी जिसम में हाइट और पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये हम पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन में पढ़ चुके हैं। मींस किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बयक वक्त, एक ही वक्त में दोनों काम कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। नाउ वी टेक्स एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अ मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर जो हम हथौड़ा उठाते हैं मारने के लिए, उसमें भी दो किस्म की एनर्जी मौजूद होती है। मींस जब हम उस जो भी हथौड़ी है उसको, हैमर है उसको, एक हाइट तक लेके जाते हैं, हाइट की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी की वजह से वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। आप उस ज्यादा जोर नहीं लगाते उसे नीचे की तरफ मूव करवाने में, और जब वो मूव करते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। दैट्स व्हाई उसमें बोथ एनर्जी वर्क कर रही होती है एट अ टाइम, इसलिए उसमें जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अस अटैच बो आल्सो पोजेस मैकेनिकल एनर्जी। एंड नाउ वी, दिस इज द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यू कैन द पेज नंबर 125 of textbook you can open, and now we study what is mechanical energy. You can see here the define of mechanical energy is the energy possessed by a body both due to its motion or position is called mechanical energy. Water running down a stream, wind, a moving car, a lifted hammer, a stretch bow, a catapult or a compressed spring possess mechanical energy. तो अगर मैकेनिकल एनर्जी की डिफाइन आती है तो यहाँ से जहाँ से मेरे जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ, द एनर्जी पोजेस्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिफाइन है। उसके बाद आप कोई सी भी इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। नाउ इसको मैकेनिकल एनर्जी को समझने के लिए हमने एक यहाँ पर एक एग्जांपल ली है स्ट्रेच बो की। ये एक तीर कमान है, इसकी जो स्ट्रिंग है ये इसकी दो एंड से जुड़ी हुई होती है। ये जब अपनी रेस्ट पोजीशन में होती है तो जहाँ जहाँ पर ये मैं एरो ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, एट दिस पॉइंट ये यहाँ पर ये रेस्ट की हालत में होती है ये जो स्ट्रिंग होती है। फिर हम इसे स्ट्रेच करके इस पॉइंट तक ले आते हैं, तो इसकी पोजीशन में देखें आप देख सकते हैं चेंजिंग हो रही है। तो इस पोजीशन में चेंजिंग की वजह से, इसकी खास पोजीशन की वजह से,
क्या होता है, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। अगर यहाँ पर आप इस तीर को यहाँ पर रख कर अगर आप इसे मूव करवाएंगे तो ये जो तीर है वो आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं होती जो उसे पुश अप करे उस एनर्जी को। अगर आप इस पॉइंट पर ले आएंगे इस स्ट्रिंग को, तो ये जो एरो है वो थोड़ा सा आगे मूव करेगा, किसकी वजह से, जो स्ट्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई थी। लेकिन अगर आप इसे इस खास पॉइंट पर यहाँ पर अगर आप लेकर आते हैं, तो इस खास पॉइंट पर आने की वजह से इसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि जो एरो है आपके पास, जो भी तीर है, वो अपनी जो खास निशाना है वहां पर जाकर लगेगा। तो ये देखें, ये इसकी हाइट में इंक्रीजिंग हो रही है। इस हाइट में इंक्रीजिंग की वजह से या इसकी पोजीशन में चेंजिंग की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, जो बाद में किस में कन्वर्ट होगी, एरो को आगे मूव करवाने में, आगे पुश करवाने में यूज होगी। ओके, नाउ अब ये जो एरो है वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। जब हम इस स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं, पुश करते हैं इस एरो को, तो जब ये आगे की तरफ मूव करता है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, इसके अंदर आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। स्ट्रिंग में खास पोजीशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो बाद में किस में कन्वर्ट हुई, इन मूविंग द एरो, तो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो मीन्स यहाँ पर भी आपके पास देख सकते हैं, आपके पास बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ एक ही बॉडी में, यानी इस बो में, इस तीर कमान में एक वक्त दोनों एनर्जी मौजूद हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, ये किस पे वर्क करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी के फिनोमिना पर, ये जो बो है वो भी उस पर वर्क करता है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज हीट एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। नंबर वन इज हार्ट बॉडीज। हार्ट बॉडीज आर आल्सो यू नो दैट द हार्ट बॉडीज इमिट हीट टू रिड्यूस देयर हीट। जो हॉट बॉडीज होते हैं वो अपनी जो उनकी हीट है उसको कम करने के लिए मुसलसल जो हीट है रिलीज करते रहते हैं, तो वहां से भी हमें क्या होती है, हीट हासिल होती है हॉट बॉडीज से, ठीक है। एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। फ्यूल में जो आपके पास कोयला है ये भी फ्यूल में आ जाता है, जो आपके पास पेट्रोल है ये भी फ्यूल में आ जाता है, जो गैस है ये भी फ्यूल में आ जाती है। जब भी हम उसको बर्न करते हैं तो आप हीट हासिल करते हैं। घरों में जब भी आप गैस को बर्न करते हैं तो वो भी एक फ्यूल की एक टाइप है, तो जब आप उसे बर्न करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपका खाना गर्म होता है, ठीक है। उस खाने से आप एनर्जी हासिल करते हैं, जिससे जो आपकी मसल्स एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाद में। सिमिलरली जो आपके पास आपकी मोटर बाइक है उसमें जो इंजन है उसमें पेट्रोल बर्न होता है, वो भी एक फ्यूल की टाइप है। जब वो बर्न होता है तो उसे बहुत ज़्यादा हीट इमिट होती है, आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं इंजन को, बहुत हीट अप हुआ होता है वो। तो सेकंड ये कि वो फिर किस में चेंज होती है, वो बाइक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बाइक की काइनेटिक एनर्जी मीन जो उसे मूव करवाने में मदद देती है। इसी तरह फूड, हम फूड से भी केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं। फूड से किस तरह से हम हासिल करते हैं, जब भी आपके पास फूड है जब आप उसे खाते हैं तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, आपके जो आपके स्टोमिच है उसमें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कि हीट इमिट करते हैं। वो जो हीट है वो आपके मसल्स एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, जिससे आप कोई ना कोई काम करने के काबिल होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा हीट इमिट होती है। सर्दियों में जब आप अपने पाम्स को रब करते हैं हाथों को गर्म करने के लिए, तो आज जब पाम्स को रब करते हैं तो वो एक रगड़ की फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपके जो हैंड्स हैं वो क्या होते हैं, हीट अप होते हैं। एंड द मेजर सोर्स ऑफ द हीट इज सन। ये तो हर एक को पता है कि जो मेजर सोर्स है हीट का वो क्या होता है, सन होता है। उससे सोलर एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसे फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा जो जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं वो सन की हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी की वजह से खुराक तैयार करते हैं, जो कि आप बाद में ईट करते हैं। ईट करने के बाद आप उसे मसल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। Now use it due to heat energy to get food our body is able to do work. Heat energy की वजह से जो हम food से हासिल करते हैं, chemical reactions होते हैं, हमारा जो stomach है वो heat up हो जाता है, ठीक है। तो उससे जो heat energy हासिल होती है उससे हमारा जो body है वो
कोई ना कोई वर्क करने के काबिल होता है, ये उसका यूज़ है। इसके अलावा जो सन से हीट हासिल होती है, अगर हम उसकी एक एग्जांपल लें सोलर लाइट, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ से हम जब सोलर इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सी जो इलेक्ट्रिसिटी के आलात हैं वो चलाते हैं, तो वो भी हीट एनर्जी से ही हासिल होता है सब कुछ। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज हीट एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय आवर बॉडीज। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग फ्यूल। हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस वेन मोशन इज अपोज बाय फ्रिक्शनल फोर्सेज। तो जब भी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप, जब फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है किसी भी मोशन को, तो तब भी हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी मशीन्स होती हैं, उनके जो आपके पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी मोशन को जो चीज़ रोकती है वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। और अगर आप उन जो मशीन के जो पार्ट्स हैं, अगर आप उनको हाथ लगाएं, तो वो काफ़ी गर्म भी होते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड दिस इज योर हीट एनर्जी टॉपिक। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको ये सारा ही लिखना पड़ेगा। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ दी वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सब जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजिली टू एनी डिजायर्ड प्लेस थ्रू वायर्स। हम वायर्स की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जहां हमें उसकी ज़रूरत हो, हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं वायर की मदद से। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, एक तो बैटरीज जिसमें क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हम क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं ये कहाँ यूज होते हैं, आगे लिखा हुआ है दीज इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आर डन बाय हाइड्रो पावर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं ये किससे चलाए जाते हैं, हाइड्रो पावर से, थर्मल पावर से एंड न्यूक्लियर पावर से। अब ये तीनों जो पावर्स हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी नहीं हुई, लेकिन समझने के लिए हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रो पावर क्या होती है। नाउ व्हाट इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर आर अ वाटर पावर इज ड्राइव फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग ऑफ फास्ट रनिंग वाटर। एक बहुत तेजी से गिरते हुए पानी की वजह से आपके पास जो एनर्जी आती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर कहते हैं। इस ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाने के काम आती है। हेयर यू कैन सी दिस इज दी पीक ऑफ अ डैम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बहुत हाइट से बहुत तेजी से फॉल कर रहा है। हाइट की वजह से इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर नीचे बहुत बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, वो जो जिन्हें टर्बाइंस कहते हैं। ये जब बहुत तेजी से पानी उन फैंस पर गिरता है, फॉल करता है, तो वो जो फैंस हैं, टर्बाइंस हैं, वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। जब वो मूव करती हैं वो फर्दर किसे जो, जो वो कनेक्टेड होती हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर से। वो जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सबसे सस्ता तरीन तरीका है। नाउ नाउ वी डिस्कस थर्मल पावर। थर्मल पावर ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, सॉरी, थर्मल ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज थर्म। हेयर आर इज मिसिंग, यू कैन राइट हेयर थर्म। थर्म विच मीन्स हीट। अ थर्मल पावर स्टेशन इज अ पावर स्टेशन इन विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिक पावर। ये जो थर्मल थर्मल वर्ड है ये थर्म से निकला है, जिसका मतलब है हीट। हीट एनर्जी जो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक पावर में, उसे क्या कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। ये आप थर्मल पावर प्लांट देख सकते हैं, मुजफ्फरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये थर्मल पावर प्लांट वर्क कर रहा है। और अगर मुल्तान से डेरा गाजी खान जाते हुए रोड से ये नज़र आता है, ये जो प्लांट है, एंड दिस इज़ अ थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो आपके पास जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं कई किस्म के होते हैं, बाज़ का तो उसमें कोयला बर्न किया जाता है, बाज़ का तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपने
आउट ऑफ कंट्रीज वर्क कर रहे हैं, उसमें जो आपके पास गार्बेज होता है उसको बर्न करते हैं, जब उसको बर्न करते हैं तो उसे हीट प्रोड्यूस होती है, वो जो हीट प्रोड्यूस होती है तो जाहिर सी बात है वो एक हीट एनर्जी की टाइप है, जब वो जो हीट एनर्जी है वो फिर इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब भी जो भी इसके अलावा जब जो आपके पास वाटर है उसको बर्न किया जाता है, जब वो वाटर को बर्न किया जाता है तो वो एक स्टीम यानी भाप में कन्वर्ट होता है, और जब उस स्टीम को टरबाइन से गुजार जाता है तो वो उसके फैन को क्या करते हैं, मूव करवाती हैं। तो जब वो फैन को मूव करवाती है तो उसके उससे क्या होती है, आपके पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर वो रन होते हैं, जब वो रन होते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर वो पैदा होती है। उसके बाद है आपके पास न्यूक्लियर पावर। नाउ हियर इज अ डिफाइंड ऑफ न्यूक्लियर पावर, अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ थर्मल पावर स्टेशन। ये भी क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन ही होता है, थर्मल पावर स्टेशन की ही टाइप है क्या न्यूक्लियर पावर। और ये भी क्या होता है, न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। इन विच द हीट सोर्स इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पर मैंने आपको हीट सोर्सेज बताई थर्मल पावर प्लांट में, कौन सी, वाटर, उसको भाप में कन्वर्ट किया जाता है, गार्बेज एंड कोयला। बट यहाँ पर जो हमारे पास हीट सोर्स है वो क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे कि यूरेनियम, ये बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। एज इज टिपिकल ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, हीट इज यूज्ड टू जनरेट स्टीम दैट ड्राइव्स अ स्टीम टर्बाइन कनेक्टेड टू अ जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो उसके जरिए हम हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। हीट प्रोड्यूस जो होती है वो क्या करती है, एक स्टीम जनरेट करती है। ठीक है, दैट ड्राइव्स अ स्टीम टर्बाइन, जो किसको चलाने के काम आती है, स्टीम टर्बाइन को चलाने के काम आती है। स्टीम टर्बाइन फर्दर किससे कनेक्टेड होती है, जनरेटर से कनेक्टेड होती है, और इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है, कहाँ से, न्यूक्लियर पावर से। एंड हेयर इज द पीक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट इज लाइक हीट पावर प्लांट। एंड द ओवर लेक्चर इज डन, नेक्स्ट वी डिस्कस फर्दर टाइप्स ऑफ एनर्जी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी। थैंक यू।